सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 31 जुलाई 2022 दिन रविवार, आज अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज जो मुरली रिवाइज हो रही है वो है 31 दिसंबर 1991 की। ये नए वर्ष की वेला है। हर साल बाबा 31 दिसंबर को जरूर आते थे और बाबा हम सबको नई नई गाइडेंस, नई नई प्रेरणाएं देते थे। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना और अपने प्रोग्रेस का चार्ट भी रखना है, मेडिटेशन मेरा योग का चार्ट कैसा है। और नए वर्ष पे बाबा ने नई उमंगे, नई तिरंगे, बाबा ने कहा नया ज्ञान नई दृष्टि वृत्ति को पैदा करता है, नई दृष्टि से नई सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। बाबा ने कहा जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हो तो क्या कहते हो? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, तो आप हर समय क्या सेवा कर रहे हो? आप बच्चे भी तो आत्माओं को नव जीवन दे रहे हो। भगवान ने भी हम सबको आकर नया जीवन दिया है। आप बच्चों को हर समय स्वतः ही शिव पिता द्वारा मुबारक, बधाइयां और ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। नए वर्ष पे दुनिया वाले क्या करते हैं? नाचेंगे, गाएंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे। और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, हर रोज ब्रह्म भोज करते हो, ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो, हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो, क्योंकि बाबा ने हमें उड़ना सिखा दिया, ज्ञान योग के पंख दे दिए, नव प्राण संचारित कर दिए। ब्राह्मण जीवन का प्राण ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन जीने का मजा ही नहीं रहता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, अगर कभी बहुत तेज गति से चले श्वास, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाती। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, कभी भी निराशा का कोई पल जीवन में ना आए। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे बन गए हो तो निराशा कहां से आई? तुम बच्चों का तो ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। तुम्हारे पास कोई उदास, डिप्रेशन का केस आए तो तुम उसको भी आशावादी बना देते हो, उसको भी जीवंत कर देते हो। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमेशा उमंग उल्लास में रहना है। और ये जो तपस्या वर्ष है 1991, तो बाबा ने कहा इसमें अभी ये समाप्त होने जा रहा है, तो आपने अपने जीवन में काफी पुरुषार्थ किया और अलौकिक नवीनता लाई,
फिर बाबा ने यह भी कहा कि कुछ बच्चे तो पुरानी चाल से ही चलते रहते हैं, कहते भी रहेंगे योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे हैं, धारणा में भी फर्क है, अटेंशन भी अच्छा है, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन शब्द जब आता है तो बाबा कहते हैं लेकिन समाप्त होना चाहिए, सदाकाल के लिए होना चाहिए, लेकिन का पूंछ मत लगाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाबा कहते हैं नो, ये कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। ऑप्टिमम स्टेज तो होनी ही चाहिए। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं, जाते ही ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कईयों का बहुत कई बार ऊंचा हो जाता है कभी नीचा चला जाता है, तो अच्छा नहीं माना जाता उसको। अगर वाइडर फ्लक्चुएशंस हैं ब्लड प्रेशर में तो अच्छा हेल्थ का साइन नहीं माना जाता। ऐसे ही बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बाबा ने कहा मैं भी चेक करता हूँ प्रेशर, बच्चों के पुरुषार्थ का प्रेशर। बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है, वहां पर भी फ्लक्चुएशंस हैं। तो ये जो कभी कभी का शब्द है, बाबा ने कहा इसको खत्म करो और 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता चेक करो। पहली संतुष्टता क्या है, स्वयं अपना साक्षी बन के चेक करो कि सेल्फ के चार्ट से, पुरुषार्थ का जो चार्ट है, स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं, अपने आप से संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, साक्षी होके चेक करो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाबा याद के परसेंटेज चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में आपका चार्ट कैसा रहा चेक करो, अर्थात क्या बाबा मेरे से संतुष्ट हैं, शिव बाबा। तीसरा, हमारा जो ये दैवी परिवार है, अलौकिक ब्राह्मण परिवार है, हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से वो संतुष्ट रहे, तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना, जो बाबा प्राइज देंगे, अगर इन 3 प्रकार की संतुष्टता में हम खरे उतरते हैं तो स्वयं भगवान हमें प्राइज देंगे। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन, चार्ट रखने की आज्ञा कितनी पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती हैं जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप आज्ञाकारी बने, चार्ट रखा, लेकिन बाबा ने कहा उसके साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें, तब कहेंगे संपूर्ण पास। और यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रोग्रेस अनुभव हो, प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो, पॉजिटिव चेंज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है परिस्थितियों को, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गुजर गई। संकल्प में भी परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो,
और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर बाबा ने कहा डबल अनुभव कराती है। अगर आपकी याद पावरफुल है परमपिता परमात्मा की याद, तो कौन से डबल अनुभव कराती है? एक तरफ याद अथवा योग अग्नि बन के भस्म करने का काम करती है जो हमारे आसुरी संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं, वो योग अग्नि से भस्म हो जाते हैं, परिवर्तन करने का काम करती है और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। स्मृति के साथ समर्थी भी हो, उसमें बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। स्मृति और समर्थि दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर वन प्राइज के योग्य आत्मा। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा। और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। जीवन में कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़े पहाड़ आ जाएं, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई, उसको संकल्प में भी स्मृति में भी नहीं लाना। पास्ट इज पास्ट, पास्ट को फुल स्टॉप लगा देना। आज की मुरली का वरदान है अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ शिव बाबा को सौंप कर स्वयं हल्के रहने वाले निमित्त और निर्माण भाव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी हो जाता है, हेडेक हो जाता है। जिम्मेवारी बाप की है, बाबा की है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये स्मृति हल्का बना देती है। जैसे अर्जुन के पीछे भगवान दिखाते हैं, तो निमित्त बन जा, वहां पे भी कहा है अर्जुन तो निमित्त बन जा। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाबा को देकर के हल्के हो जाओ, लाइट हेडेड हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूं, तो ये मैंपन भारी बना देगा, ये निशानी थकावट में आ जाएंगे और निर्माणता भी नहीं रहेगी, फिर आपके अंदर अभिमान आ जाएगा। निमित्त समझने से निर्माणता को गुण भी स्वतः आ जाता है। आज का स्लोगन है संतुष्ट मणि वो है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। आज बाबा ने बताया भी कि तीन प्रकार की संतुष्टता है, स्वयं से स्वयं संतुष्ट, हमारे पुरुषार्थ से भगवान भी संतुष्ट हों, और जो हमारा दैवी परिवार है अथवा लौकिक परिवार है वो सब भी संतुष्ट हों। अगर हमारे जीवन का श्रृंगार संतुष्टता होगा तो बाबा कहते हैं उनको सही अर्थों में संतुष्ट मणि कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।